खबर मंडला जिले के ग्राम पंचायत मागा अंतर्गत घटिया ग्राम के किसान रंजीत पटेल पिछले 2.5 महीनों से समर्थन मूल्य में बेची गई धान के भुगतान के लिए भटक रहे हैं, जिससे परेशान होकर वे आत्महत्या करने रस्सी लेकर खरीदी केंद्र पहुंच गए। हाथों में रस्सी देखकर अधिकारियों ने किसान को जल्द ही भुगतान किए जाने का आश्वासन देकर समझाइश दी है। किसान रंजीत पटेल ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले उसने समर्थन मूल्य पर 123 क्विंटल धान तकैया धान खरीदी केंद्र में बेचा था, जिसका करीब 2,52,000 रुपए का भुगतान उसे अभी तक नहीं मिला। उसे लेनदार पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं, साथ ही ट्रैक्टर की किस्त भी जमा करनी है। उनका कहना है कि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो उसके पास यही विकल्प बचता है। लोग पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं और मेरे पैसे आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। वहीं ककैया धान खरीदी केंद्र प्रभारी त्रिलोक भावरे का कहना है कि सरकार ने खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करती है, इनके खाते में कोई तकनीकी समस्या की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे करीब 27-28 खातेदार हैं, समिति द्वारा इसके लिए पत्र लिखा जा चुका है, 10 से 15 दिनों में इसका निदान हो जाएगा। अब आदमी मेरे को जिसको पैसे देने वो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरे पैसे आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को यही लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसे डलाते हैं और इनके खाते में जो है कोई तकनीकी समस्या के कारण जो इनके खाते में वो पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए प्रोसेस समिति द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। ऐसे करीब करीब 27-28 काश्तकार हैं, अभी समिति द्वारा जो है पत्र जारी कर दिया गया है, इनका निराकरण जितना जल्दी हो सके 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा।